सासू माँ ने स्पेशली क्या मंगाया है। सबको हाँ। ये लोग को निकालो, ये लोग को निकालो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज शनिवार है एंड अभी इट्स अराउंड 9:30 होगा। तो सुबह सुबह मैं जा रही हूँ ग्रोसरी स्टोर क्योंकि मुझे फल खरीदना है। मैंने आप सबको प्रीवियस व्लॉग में बोला था कि आज पूजा है। इस पूजा को हम लोग बिपत तारिणी पूजा करते बोलते हैं, लाइक दुर्गा माता का ही और एक रूप है। एंड मेरे गार्डन में काफ़ी सारे फ्लावर्स है तो उसी से मैं पूजा दूंगी। पता नहीं अभी ये वीक इट सीम्स फुल बारिश होगा जब हम लोग जाएंगे। तो चलिए लेट्स गो। तो आज सिद्ध के लिए एक मैंने टूथपेस्ट भी खरीद लिया। एक्चुअली काफ़ी रोज से मैं सोच रही हूँ बट क्या करें, भूल जाती हूँ। एंड हाँ, बहुत जन पूछते रहते हैं कि पायल तुम कौन सा हेयर कलर यूज़ करती हो। तो आई हैव बीन यूजिंग दिस हेयर कलर इट्स मोर देन 5 ईयर्स, मैं यही बोलूँगी। एंड ये पूजा का रूल है ना कि आप जितना फल देंगे उतना आपको पान देना पड़ता है। एंड आज क्योंकि लाइक इट्स ए महापूजा सो 13 फल, लाइक कोई कोई तो 23 भी देते हैं, तो 13 फल के साथ 13 पान में दे रही हूँ। एंड आप देख सकते हैं कोई कोई पान लीव्स अच्छा नहीं है, पर क्या करें, यू नो यहाँ पे वी आर इतना ज़्यादा तो एक्सेसिबल नहीं है। एंड उसके साथ में हम लोग सुपारी देते हैं एंड फिर कुमकुम एंड हल्दी। एंड आज ये जितने भी सारे फ्लावर्स हैं ना, मेरे गार्डन के फ्लावर्स है। तो हमारे मॉडर्न पंडित जी ऊपर में कुर्ता नीचे हाफ पैंट। मुझे और कुछ भी पहनने का लाइक कुछ ऐसा मैं सोच रही थी साड़ी पहनूंगी, फिर मुझे मन नहीं किया। यू नो मैं इतनी ज़्यादा टायर्ड हूँ ना कुछ दिनों से, कॉन्स्टेंटली आई एम वर्किंग, इतना मुझे बाहर जाना पड़ रहा है। या लेट मी डू तपुरे तुम्हें आज पे तो पूजा संपन्न हो गया। एंड बहुत जन आप लोग पूछते रहते कि ये पान से क्या करती हो, तो कुछ भी नहीं करती हूँ मैं, जस्ट इसको ना डिकम्पोज कर देती हूँ और क्या करूंगी। तो पूजा संपन्न हो गया है। एंड ये पूजा में अगर आप चाहे तो भोग दे सकते हैं, पर इतना लाइक भोग इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बहुत जन देते हैं। हाँ पर हाँ वो फल देना पड़ता है एंड फल में यू हैव टू गिव पाइनएप्पल, बोलते हैं भगवान जी को पाइनएप्पल बहुत पसंद होते हैं तो पाइनएप्पल लाइक देना ही पड़ता है। तो अच्छा हुआ अच्छी तरीके से हो गया। तो अभी टाइम 12 बजने वाला है एंड राय को मुझे एक्चुअली खाना देना है, तो जल्दी जल्दी ना मैं सिर्फ आलू भाजी बना रही हूँ एंड कल रात ही मैंने राइस बनाया था तो वो है। एंड मैं और सौमिक हम लोग लूची खाएंगे। तो जो मलेरिया का जो था ना वैक्सीन, लाइक आपको लेना है दवाई, वो हम लोगों ने नहीं खिलाया और ऐसा भी टाइफाइड का खिलाया ना। टाइफाइड का ओनली देयर आर 4 टैबलेट्स है, पर यू नो इट सीम्स टमी ना अपसेट, लाइक अच्छा नहीं लगता है, तो राय को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। पर मलेरिया का मैनी ऑफ यू टोल कि हाँ पायल काफ़ी साइड इफेक्ट होते हैं, वो डॉक्टर भी बोल रही थी कि यू नो यू माइट फील डीजी एंड यू नो एवरी लाइक डेली आपको खाना पड़ेगा, तो हम लोगों ने छोड़ो नहीं खाएंगे। तो बहुत ही सिंपल मैं जल्दी जल्दी से मैं पूरी बना रही हूँ एंड आलू भाजी मैंने ऑलरेडी बना दिया है। राय को लूची एंड ऑल ये सब बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो राइस से खाएगी। तो वहाँ पे सिद्ध के लिए खाना बिठाया है एंड सिद्ध सो रहा है। सिद्ध अभी डे टाइम को काफ़ी अच्छा सोता है, ही स्लीप्स फॉर अराउंड 2 to 3 आवर्स। एंड हाँ मेरा बहुत सारा सामान आ गया है, फाइनल सामान जिसका मुझे वेट था बिकॉज आई वॉज वेटिंग फॉर दिस बबल रैप। तो ये सूटकेस में पहले मैं सोच रही थी कि बाकी जो है ना मैं सब लेके जाऊंगी, बट नाउ आई एम प्लानिंग कि इसका क्वालिटी यू नो इतना अच्छा नहीं है, इसमें विल टेक आवर क्लोथ्स एंड ऑल, मेरा शॉमिक का हो जाएगा एंड सिद्ध का ऑलमोस्ट कैरी ऑन में ही आ जाएगा। कितना छोटा छोटा ही कपड़ा होता है सिद्ध के लिए।
कहीं पे भी घूमने जाओ सूटकेस पैकिंग का एक अलग ही मजा है, पर हाँ लौट के आओ तो अनपैकिंग करने का मन नहीं करता है। मैं आने के बाद क्या करती हूँ, जो जो मैंने नया खरीदा है ना वो मैं तुरंत निकाल लेती हूँ। तो चलिए अभी जल्दी जल्दी मैं करती हूँ। बट हाँ, मैं ना बबल रैप के लिए वेट कर रही हूँ, तो वो आएगा देन ओनली दिस ये सूटकेस का पैकिंग कंप्लीट हो सकेगा। अभी तक मैंने सिर्फ इतना ही किया है। तो अभी टाइम इज 3 o'clock एंड आज बहुत ही लेजी डे चल रहा है। यू नो पैकिंग भी मैंने हाफ ही किया है बिकॉज आई एम वेटिंग फॉर दैट क्या बोलो बबल रैप का मैं वेट कर रही हूँ। एंड यहाँ पे शीद है। से हाय टू एवरीवन बाबू, से हाय। हाय बोलो ना, से हाय। हाय तो यहाँ यह हाय कर रहा है, सिद सबको हाय कर रहा है। ना तो सिद का भी खाना हो चुका है। You were my best friend, didn't care about the rules, good on the weekends, I'll be in full. तो आज होल डे इतना कुछ नहीं हुआ, ऐसा तो पैकिंग इज ऑलमोस्ट डन ओनली एंड अभी भी यू नो वन बैग इज फुल एम्प्टी। तो ऐसा कुछ टेंशन नहीं है कि जगह नहीं होगा एंड ऑल दैट, जगह श्योरली हो जाएगा। एंड शायद कुछ हो रहा है हम लोगों के विलेज में, ये समर टाइम में अच्छा है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, बहुत ही हैपनिंग बन जाता है ये जगह। तो पार्क से आने के बाद मुझे लगा मैं तुरंत रात के लिए ना डिनर बना देती हूँ एंड आई एम मेकिंग इन द सेम लाइक कढ़ाई जिसपे मैंने आलू फ्राई किया था। तो मैं गोभी कैप्सिकम एंड पनीर दे के ना एंड पता नहीं अभी मुझे सिर्फ वो क्या बोलते हैं अचार मसाला बहुत पसंद है क्योंकि बहुत चटपटा होता है, तो मैंने थोड़ा अचार मसाला में ऐड कर रही हूँ क्योंकि मैं जो सब्जी मसाला बनाती हूँ वो सब ख़त्म हो चुका है। तो वही थोड़ा भाजी टाइप मैंने बना दिया एंड उसके साथ मैंने दाल भी बना लिया। तो चलो डिनर का झमेला खत्म। तो अभी टाइम हुआ है 8:15 एंड अच्छा हुआ यू नो आने के बाद मुझे लगा कि तुरंत खाना बना देती हूँ। क्या करती हूँ ना ये सब पैकिंग एंड ऑल होता है ना, फिर उसके बाद ना खाना बनाने का मन नहीं करता है। एंड यहाँ पे सीत का भी डिनर इज डन। से हाय, सबे के हाय करो दो, हाय करो दो, हाय हाय करो दो, हाय करो दो, करबे ना। सीत का डिनर हो गया है। जो दाल है ना मैंने राधुनी से बनाया, लाइक तड़का में मैंने सिर्फ राधुनी दिया है। राधुनी इज सेलेरी सीड्स, ये काफ़ी टेस्टी लगता है एंड कुछ नहीं एंड एक सूखी हुई लाल मिर्च एंड ये पता नहीं खाने में कैसा होगा पर अचार मसाले से थोड़ा टेस्टी हुआ है क्योंकि आज हम लोग अनियंस एंड ऑल कुछ नहीं खाएंगे ना। तो ये बहुत ही मैंने सिंपल बनाया है एंड यहाँ पे है थोड़ा क्यूकम्बर ही था वो मैंने कट कर लिया है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि राय और मैं खाना खा लेंगे क्योंकि शौमिक थोड़ा लेट खाते हैं, ही विल डू हिज एक्सरसाइज एंड ऑल एंड हाँ उसके बाद यू नो मैं आप सबको दिखाऊंगी कि सासू माँ ने लास्ट मोमेंट पे मुझे एक स्पेशल चीज़ लाने को बोला था, वो क्या है वो आ चुका है। पहले ना एक्चुअली एक बार मैंने ऑर्डर दिया था, फिर डिले हो गया था, फिर मैंने वो कैंसिल करके और एक बार ऑर्डर दिया। तो मुझे लग रहा था ये 2 दिन में आना चाहिए आना चाहिए, तो वो सब भी आ चुका है। तो सीत का तो खाना कब से खत्म हो चुका है, तो वही अभी राय आई थिंक सो रैक्स को बुला रही है। हाँ तो चलिए आ गई हूँ मेरे फेवरेट जगह पे, मोस्ट ऑफ द हॉल मुझे लगता है मैं हर वक्त किचन की इस जगह से ही करती हूँ। तो फर्स्ट मैं अब सबको दिखाती हूँ दैट मेरी सासू माँ ने स्पेशली क्या मंगाया है US से। एक चीज़ मेरी सासू माँ ने मंगाया है जो मैं पहनती हूँ जो आप सबको भी बहुत पसंद है, वो वेन आई गो आई शेयर विथ ऑल ऑफ यू। तो दूसरे दिन मैंने फ़ोन किया था एंड आई वॉज टेलिंग हर यू नो आपको क्या क्या चाहिए, तो वो बोल रही थी ना किचन का कुछ जो मैंने खरीदा है शेयर ऑल्सो विथ ऑल ऑफ यू। फिर वो बोल रही थी ना कि पायल तुम मेरे लिए मस्कारा लगा लाना, तो उसने कि पता नहीं सासू माँ कब से मस्कारा लगाने लगे बिकॉज आई नो आर ऑलवेज मेनी ऑफ यू हैव सीन हर ऑल्सो कि वो शी ऑलवेज वेयर ए रेड बिंदी और वो कुछ भी नहीं करती है। तो मैं बोल रही थी अरे मम्मी मस्कारा लगाओगी क्या, तो शी इज लाइक नहीं नहीं यू नो मेरा थोड़ा थोड़ा हेयर सफ़ेद हो गया है इसलिए तुम मस्कारा लाना। मैंने बोला मस्कारा नहीं, आई विल गेट यू यू नो दिस इज द थिंग जो मेरी सासू माँ ने बोला था लाने के लिए।
ये बहुत ही अच्छा है यार, पता नहीं मैं क्यों यूज नहीं करती हूँ, क्यों क्या होता है नो, स्पेशली दिस इज गुड ना, अगर आपके बाल थोड़े थोड़े यू नो सफेद होना स्टार्ट हुआ है, तो सासू माँ का ना ये साइड में थोड़ा थोड़ा सफेद है, तो सासू माँ मतलब बाहर जब जाती हूँ अच्छा नहीं लगता, या थोड़ा ऐसा मस्कारा लगाऊंगी, मैंने बोला मस्कारा नहीं, गेट दिस वन। तो मैंने ये बहुत सारा खरीदा है, मैंने ये 5 खरीद लिया है उनके लिए, दिस इज कवर योर ग्रेसी, ऐसा रहेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो आई गॉट दिस वन, मैं ओपन नहीं करूंगी, वहां पे जाके मैं दिखाऊंगी कैसा हुआ है, बट दिस इज अ नाइस थिंग यार, बिकॉज आई नो मेनी ऑफ यू आर गोइंग, नहीं तो यहाँ पे भी जो लोग रहते हैं या कहीं पे भी रहते हैं, अगर आपके हेयर थोड़े थोड़े सफेद हुए हो, ये सब यू नो कवरेज थोड़े क्या बोलो, ये सब बहुत ही अच्छा है, टेम्पोरली सोल्यूशन इज गुड, स्पेशली वेन यू आर गोइंग आउट एंड ऑल। पता नहीं ये कुछ लाइट कुछ गड़बड़ कर रहा है। फिर मैंने ये बीट्स खरीदा है सोलो, ये राय के पास भी था, ये मैंने किसी के लिए खरीदा है, वो जब इंडिया जाऊंगी तब मैं आप सबको बताऊंगी, ना सीक्रेट नहीं है, सीक्रेट कुछ नहीं है, अभी मैं नहीं बताऊंगी, तब मैं स्पेशल गेस्ट वेस्ट कुछ भी नहीं है, लाइक आई वॉन्टेड टू टेक समथिंग नाइस, पर क्या है जैसे कि आप लोग भी बोलते हैं अभी सभी जगह पे सब कुछ ही मिलता है, एंड यू नो अभी ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ से आप क्या लेंगे क्या लेंगे, देन आई थॉट लेट मी टेक दिस वन, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी थोड़ा सस्ता है, और समथिंग एल्स बी देयर, या यही था इम्पोर्टेंट, एंड सिप को जो मैं ऑयल लगाती हूँ वो मिल ही नहीं रहा है, देन आई गॉट दिस वन, पता नहीं कुछ एक ऑयल मैंने खरीद लिया है। तो जो लोग के ऐसे थोड़े थोड़े ग्रे हेयर होना, एंड इफ़ यू गो आउट आपको ऐसा कवर करना है, यू कैन परचेज लाइक दिस, इसके रिव्यूज भी बहुत ही अच्छे थे, ऐसा मस्कारा मत लगाइएगा, मस्कारा लगाते ना बहुत थिक हो जाता है, दिस विल बी लाइट। सिद्ध का मिल्क का झमेला नहीं रहता ना, तो पैकिंग कुड हैव बीन वेरी इजी, बट हाँ जब मैं लौट के आऊंगी पता नहीं इतने सारे सूटकेसेस में क्या लाऊंगी, बिकॉज आप और कितना ही खरीदेंगे। हाय, तो आज नेक्स्ट डे हो गया है, पर हाँ एक चीज अच्छा हुआ, सी पैकिंग इज डन, 1 2 3 4, तो नाउ द टाइम इज 11:15। तो कल जैसे मैंने रात को खाना बनाया था ना, या खाना बनाना हो जाए तो आप देखेंगे ना, यू कैन डू द रिमेनिंग वर्क, क्योंकि खाना बनाने का एक झमेला तो रहता है, एंड आप कितना और बाहर से खाएंगे, यू नो यू कैन लाइक, हम लोगों के घर में ना वी डोंट लाइक पिज़्ज़ा बर्गर, ये आपने बहुत ही कम देखा होगा दैट वी ईट मैकडोनल्ड्स एंड ऑल, कभी भी हम लोग नहीं खाते। तो मैंने शौमिक एंड सिद्ध के लिए मुझे खाना बनाना ही है, तो मैंने शौमिक को बोला गेट सम चिकन, मैंने बोला छोटा हैन एंड ऑल नहीं, तुम एक बड़ा चिकन ही कट करके ला, फिर आई विल मेक ए चिकन करी, तो थोड़ा रहेगा तो कल भी हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद फिर बाकी का काम मैं करूँगी, फिर यू नो लगेज पैकिंग एंड ऑल हो जाए, फिर मुझे घर एंड ऑल भी साफ करना है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा करके चिकन बना रही हूँ, माई एम इज कि आज भी हो एंड कल भी हो जाए, तो कौशा मांगशो बोलते हैं ना, सी कितना अच्छा रेड कलर आया है। तो फाइनली मेरा चिकन बनाना भी ख़त्म। तो अभी टाइम हुआ है 4:10, एंड अभी हम लोग सब लोग जा रहे हैं थोड़ा शॉपिंग करने, एक्चुअली मैं और राय जाने वाले थे, तो शौमिक को बोला कि नहीं नहीं चलो मैं लेके चलता हूँ, एंड सिद्ध को भी थोड़ा घुमा के लाएंगे, तो चलिए लेट्स गो। एंड इस बार विल बी द फर्स्ट टाइम यू नो व्हेन आई एम गोइंग, हम लोग खुद के लिए भी तो खरीदते, मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं खरीदा है, आज भी आए हैं, मुझे एक्चुअली गिफ्ट लेना है एंड स्पेशली राय के लिए, मैं भी सोच रही थी कुछ खरीदूंगी पर मुझे कुछ भी नहीं मिला। तो शॉपिंग करके बहुत पहले ही आ गए थे, पर अभी ना क्या होता है, ऐसा बच्चा लोगों को बोलते हैं ना, जैसे जैसे वो लोग का भी एज बढ़ रहा है यू नो, वो लोग का ऐसा बिहेवियर भी काफ़ी चेंज होता है, जैसे कि अभी बोलते हैं ऐसा एक स्ट्रेंजर देखने से थोड़ा एंग्जाइटी होता है ना, कोई कोई बच्चे लोग बहुत ठीक रहते, कोई कोई बच्चे लोग बहुत रोते हैं। तो व्हेन वी वेंट लास्ट टाइम यू नो मेरे भाई के शादी में, तब तो सिर्फ 6 months का था ना, दैट टाइम ही वॉज गुड यू नो, अभी जब मॉल में जाते हैं ना ही इज फाइन, जब बाहर है, जब भी शॉप के अंदर जाते हैं ना इतना रोता है। तो अभी हम लोगों को इतना टेंशन हो रहा है यार, एक तो इतना लंबा जर्नी है, इफ़ ही कॉन्स्टेंटली क्राइज, तो आप लोग बताना इफ देयर इज एनी टिप्स यू नो विच कैन हेल्प अस आउट, तो प्लीज़ मुझे कुछ टिप्स है तो ज़रूर देना। एंड आई गॉट कुछ, मेरे लिए तो कुछ भी नहीं, मेरा बैटरी भी अभी चला जाएगा। तो ये राय के लिए एक ड्रेस समर का, एक्चुअली बहुत खूबसूरत है सी,
परफेक्ट फॉर समर, बहुत खूबसूरत है। मैंने रायके बोला ड्रेस ही खरीदो, ये बहुत ही खूबसूरत है, ये एक और बड़ा साइज में मिलता, एक और नहीं दो तीन बड़ा साइज में मिलता तो मैं भी लेती, मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा, मुझे ये सब ड्रेस बहुत अच्छे लगते हैं। फिर आई टुक वन बैग, वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी बिकॉज वो पैक किया हुआ है। देन राय ने एक शू लिया, मैं भी लेने वाली थी पर लास्ट मोमेंट पे मैंने नहीं लिया। सी मैं भी सेम ऐसा लेने वाली थी दूसरे कलर में, पर आई डोंट नो आई वॉज फीलिंग वेरी स्लीपर स्लीपर यार, मैं चल रही थी ना तो मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगी मैं गिर जाऊंगी, फिर मैंने और नहीं लिया। छोड़ो यार मुझे अभी वो सब सब कुछ में मेरा इंटरेस्ट ही चला गया। तो ये राय ने लिया एंड मैंने एक बैग लिया है, वो ना वो लोग ने पैक करके दे दिया, मैंने बोला क्योंकि मैं गिफ्ट कर रही हूँ ना तो वो मैं अभी नहीं दिखाऊंगी। वो तो लास्ट मोमेंट ही मैंने खरीदा, सी वो लोग ने ऐसा पैक करके दे दिया है। इफ़ एनी ऑफ यू नो एनी ट्रिक्स कैसा करके सिद्ध को हम लोग शांत रखे तो प्लीज़ बचाना, बचाना नहीं यार बोलना, बिकॉज आई फील सभी बच्चे लोग तो सेम नहीं होते ना, एंड दिस एंग्जाइटी इट सिम्स इज वेरी कॉमन, ऐसा होता है बच्चों में ना, तो देखते यार जो होगा देखा जाएगा। हम लोग को फ्लाइट से निकालना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम लोग ऊपर में है एंड सब लोग बोले ये लोग को निकालो ये लोग को निकालो, नहीं ऐसा तो नहीं होगा, जस्ट मजाक कर रही हूँ। चलिए ऊपर चलते हैं। तो चलिए जो व्लॉग मैंने आई थिंक सो 2 रोज से स्टार्ट किया था, थोड़ा 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 ही दिखाया था, क्या करूँ अभी मैं इतनी बिजी हूँ ना, वो अभी मैं एंड करती हूँ। एंड या एक कमेंट है विच इज कमिंग सो मच, तो मैं एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ लाइक सभी यार, अरे ये तो इंडिया में मिलता है, अरे ये तो इंडिया, अरे इंडिया में तो सब कुछ ही मिलता है यार। अगर मुझे समथिंग स्पेशल यूएस से ले जाना हो तो मैं बोलूँगी तो मैं यूएस का मिट्टी लेके जाऊँगी, बिकॉज बाकी सब तो सभी जगह पे मिलते हैं। अभी वर्ल्ड का कोई भी एक जगह है जहाँ पे यू कैन से अरे ये वहाँ पे नहीं मिलता है, दिस इज़ ए कॉमर्शियल वर्ल्ड यार, इट्स ए ग्लोबल, अभी सभी कुछ ग्लोबल पे होता है। ग्लोबलाइजेशन, तो अभी ऐसा देयर इज नथिंग कि जो इंडिया में नहीं मिलता है, वेयर एंड और वेयर यू नो पीपल विल गेट स्ट्रेंज एंड सी वाओ ऐसा होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई रिमेम्बर जब मैं 2003 में आई थी तब मैं इंडिया जाके मम्मी को बोल रही थी, पता है मम्मी यहाँ पे ऐसा माइक्रोवेव प्लस चिमनी दोनों एक साथ में है, पर आई एम श्योर अभी इंडिया में ये भी हो गया है वेयर दिस इज अ माइक्रोवेव एंड नीचे में चिमनी भी है, ये अभी जैसे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चलता है बिकॉज इसमें ना इतना ज़्यादा ऑयल सक नहीं होता है। तो नाउ एवरीथिंग यू विल गेट एवरीवेयर, सो बट इफ़ आई गो समवेयर आई विल गेट द थिंग्स विच इज़ ईजी फॉर मी, सी हियर आई हैव माई क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑल, मेरे लिए बहुत ईजी है टू परचेज, एंड इफ़ आई गो टू इंडिया क्या मैं बोलूँगी नहीं नहीं सब कुछ मिलता है मैं सस्ता का आप सबको इंडिया से खरीद के दूंगा, ऐसा कोई भी नहीं करता है। तो नाउ द टाइम इज 10 o'clock एंड वहाँ पे सीधा आऊ आऊ कर रहा है। तो चलिए विद दिस आई विल एंड दिस व्लॉग, आई होप सो आप सबको मेरा ये सब पैकिंग का व्लॉग अच्छा लग रहा है। आई एम श्योर जो लोग व्हेन यू ट्रैवल सभी के घर में ऐसा हालत होता है एंड यू नो इफ़ इट्स फॉर लॉन्ग टाइम एंड हाँ अगर इतना दूर का ट्रैवल हो तो ऐसा होता ही है। तो जैसे मैंने बोला है कि अभी ऐसा कुछ भी नहीं है जो इंडिया में नहीं मिलता, सब कुछ सभी जगह पर मिलता है, बट हाँ इट्स माई विश मैं ले जाना चाहती हूँ एंड मुझे लगता है इसमें कुछ बुरा तो है नहीं। तो चलिए उसके साथ ये व्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय।